शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते, क्या है? वो भाई की फीस भरनी है मैनेजर साहब। तो पिछले 6 महीने से मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, पैसा उसका नहीं लिया मैंने। ओवरटाइम? फैक्ट्री नुकसान में चल रही है, ओवरटाइम कैसे मिल सकता है? नुकसान कैसे हो सकता है मैनेजर साहब, हर रोज ट्रक भर भर कर माल तैयार होकर बाहर जाते हैं, मशीनें 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहती। हिसाब हम जानते हैं या तुम जानते हो? लेकिन ये तो जुल्म है, नाइंसाफी है। मैं मालिक से शिकायत करूंगा। जाओ जाओ करो, मालिक तुम्हें नौकरी से निकालना दे नोटिस देकर, तो मैं मैनेजर नहीं इस कंपनी का। नोटिस? किस बात का नोटिस? क्यों निकालेंगे मालिक? मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तुम यहाँ पर काम करने आए हो या हक जमाने आए हो? वो कोई और फैक्ट्री होगी जहाँ पर तुम जैसे आग लगाने वाले भड़काने वाले मजदूरों की दौड़ चलती है, यहाँ पर नहीं चलेगी। जाओ अपना काम करो, जितनी देर तुम यहाँ पर बातें करने में लगाओगे उसका 4 गुना वक्त शाम को रुक कर ओवर टाइम करना पड़ेगा। जाओ, समझे? अरे इतना वजन तो दारा सिंह पहलवान भी नहीं उठा सकता, तो हम जैसे पापड़ सिंह पहलवान पर काहे रख दिया? अबे ये कनाडा करा चल ना। अरे अरे चल। अरे साहब, अरे ये शराफत दिखाओ तो कभी ने बुझ भी नहीं समझते। नहीं भाई, बोलो प्रेम को मार रहे हैं क्या? हाँ प्रेम फिकर मत कर, रही मारा। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ये धर्मदास की वो है फैक्ट्री या गुंडों का वो है अड्डा? मैं अगर तुम्हारी पुलिस में वो करा दूं मैं शिकायत, तो तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, क्या कहते हैं, वो जेल में। तो कर दीजिए शिकायत, बुलाइए पुलिस को, वो भी तो देखेंगे सेठ धर्मदास की फैक्ट्री में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मनमानी होती है, मजदूरों के साथ बेइंसाफी होती है, गुंडागर्दी होती है, कभी कभी उन्हें मारा भी जाता है। तुम कौन होते हो दूसरों के साथ वो करने वाले? बोल बे। हमदर्दी। हमदर्दी? तुम कोई फ्लोरा फाउंटेन हो? सेठ जी, लॉर्ड माउंटबेटन। तुम कोई लॉर्ड माउंटबेटन हो? ये मेरी वो है और मैं उसका वो हूँ। क्या यार, फैक्ट्री है और मालिक है। मालिक हूँ। सेठ जी, वो दिन गए जब मालिक के कहने से मजदूरों की खाल उधेड़ी जाती थी, आज मजदूर और मालिक फैक्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप हमें तनख्वाह देते हैं तो हम अपना वक्त देते हैं। मजदूर अपने खून का रंग जलाकर उसे पसीना बनाकर मशीनों में बहा देते हैं। देखो रहीम, यहाँ तुम्हारी वो नहीं चलेगी भाषणबाजी। इस शहर में, इस देश में कानून बदल गया होगा मगर यहाँ नहीं बदला। दूसरे मिलों और फैक्ट्रियों में मालिक और नौकर बराबर के होते होंगे, क्या कहते हैं उसको, वो हिस्सेदार, मगर यहाँ नहीं। यहाँ बकरी और गधा एक ही घाट पे पानी नहीं पीते। बस जी, शेर और बकरी खमश, हम जो कहते हैं वही सही है। सही है, यहाँ सरकारी कानून चलता है ना, गुमाश्ता कानून चलता है, बल्कि सेठ उस दास का कानून चलता है। क्या बे? धर्मदास। धर्मदास का बर्दाश्त होता तो काम करो, वरना फैक्ट्री का वो खुला है, निकल जाओ बाहर। दरवाजा। इतनी आसानी से नहीं जाएंगे सेठ साहब,
अब तो नहीं जाएंगे, पहले इस केस को यूनियन में ले जाएंगे और फिर इसका फैसला होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उसकी वो मत करो फिकर, तुम्हारी उसकी, उसको मैंने यही बुलाया है क्या बे? जूनियर लीडर। गुड मॉर्निंग सर जी। लो आ गया तुम्हारा वो, क्या कहते हैं उसको, जूनियर लीडर। लीडर देखिए, आपकी यूनियन के होते हुए इस फैक्ट्री में कैसे कैसे अन्याय हो रहे हैं। नहीं बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, जब अपन पूछा तभी बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। आज तक इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम हुआ है शांति के साथ हुआ है, आगे चल के भी जो काम होगा बिल्कुल शांति के साथ होगा। अरे किस बात की शांति, लोगों को हमारा बेटा जाता है और उसके बाद हमारा बोनस। अबे किस बात का बोनस, ये तो सेठ की शराफत है कि तुम लोगों को नुकसान सहकर भी नौकरी पर रखा हुआ है। वरना और को सेठ होता तो फैक्ट्री पे ताले लग जाते हैं और सारे मजदूर लोग घर बैठ जाते हैं। और तुम दोनों, हाँ तुम दोनों का अपुन ने अच्छी तरह से पूछताछ किया है, सारा लफड़ाइची कराने वाला तुम दोनों, और जो ये झगड़ा हुआ ना ये भी तुम दोनों ने करवाया है। अरे शेर साहब नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का, जब अपन पूछेगा तभी बोलने का, वरना नौकरी से बाहर निकल दिया जाओगे। और सुनो, इस लफड़े से जितने भी लोगों को चोट लगी है उसकी मरम पट्टी का खर्चा और ऊपर से जो खर्चा होगा वो तुम लोगों के पगार से काटा जाएगा। आप चलो सेठ कट्टे। अरे कैसे पगार से काटा जाएगा भाई? चलो सेठ का चमचा। अरे पर सेठ साहब हमरा का होगा, हमरे लिए तंबाकू का पत्ता और अरंडी का तेल मंगवा दीजिए, गरम गरम करके सेक लेंगे, नहीं तो हमरा पंचर कभी ठीक नहीं होगा साहब। अबे यहाँ से निकल ले वरना अपन तुझे पंचर कर दे। और नहीं बस, और नहीं, चल निकल ले, पतली गली पकड़ ले, फोड़ ले फिल्मी भाई। अरे वाह शेरा वाह, अगर तुम इसी तरह वो करते रहे काम तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। अल्फांसो? कौन अल्फांसो? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। सेठ जी। हाँ मैनेजर जी, इसके उसमें खुजली हो रही है वहां वो रख दो, हाथ में खुजली हो रही है पाउडर रख दो। पाउडर? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं? पैसा पैसा पैसा। चलो ओ सेठ जी, थैंक यू, जाओ। अरे आहिस्ता राम कटोरी, हमरे होने वाले बच्चे की माँ जो अब कभी ना ही हो सकेगा। क्या कर रही हो? पड़ोस वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो लुट गए, हमारी जवानी बर्बाद हो गई, वो हरामखोर हमारी गोद में झाड़ू फेर गए रे। भगवान करे कि उनकी औरतें मर्द हो जावे और मर्द औरत। अरे कैसन बद्दुआ दे रही हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कौन नुकसान नहीं होगा, औरत मर्द बन जाएंगे और मर्द औरत, तो जो मर्द हैं वो तो बच्चे जनेंगे और औरतें काम पर चली जाएंगी। अरे सारा नुकसान तो हमरा हुई गवाना। नहीं हमरा कौन नुकसान नहीं हुआ है, देखना, अरे हम भी गंगू पहलवान का बेटी है, हमरे बाप ने हमका एक से एक तेल बनाना सिखाया है। तेल? अब देखो अब हम तुमका का से का बनाते हैं। सबसे पहला, हाँ सबसे पहला हम तुमका करेले का रस पिलाते हैं। आए करेले का रस? हाँ नीम की छाव में बैठकर 30-30 करी करेले का रस निकाला है, ये पीकर तुम भी इन पहलवान जैसन सांड हो जाओगे। लो पीलो, घसीट जाओ। अरे फिर का है ये? करेले का रस? नहीं। अरे पियो पियो पियो। हाँ जियो। अब बोल तुझे क्या चाहिए ब्याज काट के? जी 500 रुपए उधार चाहिए, गांव में बेटी के हाथ पीले करने हैं। अरे बेटी के हाथ पीले करने हैं या खुद का मुंह काला करना, इससे मुझे क्या लेना देना? पहले ये बता लौटाएगा कब ब्याज काट के? 6 महीने बाद लौटा दूंगा साहू जी। हम महीने का 10% ब्याज लेता है ब्याज काट के, ये तो मालूम है ना तुम्हें, यानी 100 पर 10 रुपए, 500 पर कितने हुए 50 रुपए, और कुल 6 महीने के कितने हुए 300 रुपए। हम ब्याज पहले ही काट लेते हैं, समझे? अब 500 में से 300 गए तो कितने बचे? 200 रुपए। ये लो 200 रुपए और 500 पर दस्तखत कर दो ब्याज काट के। या शाबाश, ये लो। डैडी डैडी क्या? मुझे 200 रुपए चाहिए। वापस कब लौटाओगी ब्याज काट के? क्या? अरे अरे तू है, बोल क्या चाहिए? मुझे 200 रुपए चाहिए, कॉलेज में फंक्शन है ना उसके लिए। अरे मैं दिन भर लोगों का गला दबा दबा कर उनसे पैसे निकालता रहता हूँ ब्याज काट के, और तू कॉलेज में जाकर फंक्शन में सब कुछ उड़ा देती।
अरे कोई ऐसे कॉलेज में क्यों नहीं भर्ती हो जाती जहाँ खाना पीना फीस फंक्शन सब मुफ्त में हो जाए ब्याज काट के। आप पैसे देते हैं या आपके बही खाते इनकम टैक्स वालों को दिखा दूं? छी 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 छी, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, दोबारा जाकर नहाना पड़ेगा। छी 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 छी, ये लो। डैडी ये तो 180 है। अरे 20 रुपए मैंने काट लिए ना ब्याज में ब्याज काट के। आप मुझसे भी ब्याज काटेंगे? अरे मैंने तो अपने बाप से भी ब्याज काटा था ब्याज काट के, तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं बगैर ब्याज के किसी को पैसे नहीं देता, चल भाग जा यहाँ से ब्याज काट के। नहीं मानेंगे। सुनीता सुनीता सुनीता, अरे सुबह सुबह 280 का नुकसान कर दिया। पुनीत जी, जी हुजूर। इसके बाद जो भी ग्राहक आए उसे 100 रुपया कम देना ब्याज काट के। अच्छा सेठ जी, मगर सेठ जी वो प्रेम बाबू बैठे हुए उनका तो फैसला कर दीजिए। अरे फैसला कैसे कर दे, मकान गिरवी रख के 3000 मांग रहा है और वो भी बगैर ब्याज के, ऐसा कभी हुआ है ब्याज काट के? दे दीजिए सेठ जी, एक तो आदमी ईमानदार और दूसरा इतना अच्छा मकान 3000 रुपए में कौन गिरवी रखेगा? अरे तूने कागज तो ठीक तरीके से पढ़ लिया ना कि मकान उसका है या नहीं जी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मकान भी जाए और 3000 भी जाए ब्याज काट के, समझा? जा बुला के ला उसे। आइए प्रेम बाबू आइए। नमस्कार सेठ जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। देखो प्रेम बाबू, वैसे तो हमें तुम्हारा ये मकान वकान पसंद नहीं आया, मगर तुम आदमी शरीफ और ईमानदार हो इसलिए हम तुम्हें 2900 रुपया दिए देते हैं ब्याज काट के। 2900 नहीं, 3000 चाहिए सेठ जी। ओहो, लेकिन 100 रुपया कम देना है ना सेठ जी। इनको नहीं, इनके बाद जो आएगा उसको। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको पूरे दे दूं क्या? हाँ तो ये लो प्रेम बाबू पूरे 3000, बाद में आने वाले से 100 रुपया काट लूंगा। हाँ लेकिन प्रेम बाबू ये पैसे वापस कब लौटाएंगे आप? देखिए सेठ जी, मेरा छोटा भाई रवि, उसे भी ये पास करने में अभी वक्त है, लेकिन विजय 2 महीने में डॉक्टर बन जाएगा, जितनी जल्दी हो सके आपके 3000 रुपये लौटा दूंगा।